जैसे हमारे यहाँ 24 आवर्स ऑक्सीजन हो गए, 24 आवर्स डॉक्टर्स हैं, NICU, ICU। मरीजों के लिए अस्पताल जो मंदिर से कम नहीं, चाहे वह प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल सरकारी हो या गैर सरकारी। हम बात करते हैं मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के मैक्स 11 हॉस्पिटल की, जहां कोरोना के समय में डॉक्टर तो भगवान का रूप ले ही चुके हैं। तो वहीं अगर हम इस अस्पताल की साफ सफाई की बात करें सुरक्षा की नज़र से, तो यह अपने क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं नंबर वन पर चल रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, वहां के आने वाले दूर दराज से दूसरे जिले से चलकर मरीज बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि इतनी साफ सफाई सुरक्षा देख मन प्रसन्न हो उठता है कि अस्पताल में भी इतनी सफाई अब रहने लगी। तो वहीं डॉक्टर भी कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि जरूरत हो तभी घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। बिहार में लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया, लेकिन कोरोना महामारी अभी गई नहीं है। भले ही संख्या में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी महामारी है। वहीं मुरलीगंज मैक्स 11 हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर भावना प्रकाश ने लोगों से पिछले साल की भांति इस साल भी लगातार मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि महामारी अभी गई नहीं है। आप तमाम बिहार वासियों, जिला वासियों से अपील करता हूं कि आप लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करते रहें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। इन्होंने डॉक्टर होने के नाते लोगों से गुहार लगाया। देखिए मुरलीगंज से बंटी कुमार की यह रिपोर्ट। सबसे पहले मेरा नाम हुआ डॉक्टर भावना, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं, और ये मैक्स 11 हॉस्पिटल मुरलीगंज में हर तरह की सुविधाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ 24 आवर्स ऑक्सीजन हो गए, वेंटिलेटर हैं, और 24 आवर्स डॉक्टर्स हैं, NICU, ICU, ECG, और ऑपरेशन वगैरह भी उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये सारे कुछ उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। देखिए इस पर तो मैं लोगों को और बोलना चाहूँगी, COVID-19 के बचाव के लिए, कोरोना वायरस के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन रखें और 2 गज की दूरी रखें, कॉटन मास्क उपयोग करें और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करें, और गर्म पानी काढ़ा वगैरह का